Hi all, this is Anjali and आज हम करेंगे program to perform basic arithmetic operations on 1D and 2D array, that is one-dimensional and two-dimensional NumPy arrays. So this video is part of the series for class 11th IP, that is Informatics Practices, और हम कर रहे हैं program number 22 issued by the CBSE for your practical file. ठीक है, हम इससे पहले 21 प्रोग्राम्स कर चुके हैं जो कि आपको 11th आईपी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, राइट. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोग्राम नंबर 22. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आपको पाइथन पढ़ना है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल. नॉट ओनली पाइथन, अगर आपको C++, जावा, HTML, जावास्क्रिप्ट कुछ भी पढ़ना है, एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यू शुड सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि आप ये सब यहाँ सीख सकते हो फॉर फ्री. And I also take live doubt clearance sessions on my channel, right? So let's start with this program. अब आपको पता है कि ये arrays use करने के लिए हमें सबसे पहले तो import करना पड़ता है numpy को. तो मैंने यहाँ सबसे पहले import numpy as np कर लिया and as usual we are coding in PyCharm. अब आपको array create करना है. पहले हम 1D array के ऊपर basic arithmetic operations perform करेंगे और फिर 2D array के ऊपर. Operations same है, ठीक है. 1D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब वन डायमेंशन, एक ही रो है आपके पास, तो आपको दो एरेस बनाने हैं. मैंने लिया arr1 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज. आपकी मर्जी है, आप अरेंज से भी एरे क्रिएट कर सकते हो या आप खुद एक एरे भी बना सकते हो एक लिस्ट की हेल्प से. जैसे कि मैंने एक तो अरेंज से बना लिया और एक मैं खुद बना लेती हूँ. सो उसके लिए मैंने लिखा np डॉट एरे और यहाँ पर अपने आप से कुछ भी values दे दी, something like this. So this is array you have created through list and the other one is through arrange. Arrange में क्या होगा, you will get the numbers from 0 to 4 in this, क्योंकि आपने 5 दिया. अगर आपको 0 to 4 नहीं चाहिए, 1 to 6 चाहिए, तो आप 1,6 लिखोगे. उससे क्या होगा, numbers 1 से लेके 5 तक आ जाएंगे. मुझे print कराना है कि मेरे पास array 1 में क्या values हैं, तो मैंने array 1 print करा दिया. फिर मुझे प्रिंट कराना है मेरे पास एरे 2 में क्या वैल्यूज़ हैं, तो मैंने यहाँ पे एरे 2 को प्रिंट करा दिया. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऐड करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, दीज आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस. सो एडिशन ऑफ एरेज इज, अब ये जो आप ऑपरेशन करोगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एरेज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आ जाती है कि साइज ऑफ द एरे मस्ट बी सेम. आप दो एरेस को ऐड कर रहे हो, एक में 5 एलिमेंट, एक में 10 हैं, तो वो ऐड नहीं हो सकते. अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे विल बी एडेड टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड एरे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे विल बी एडेड टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड एरे. सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड होते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही तरीके से उसे लिखो, ठीक है. साइज मस्ट बी सेम, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, सिर्फ ऐड ऑपरेशन को पहले. सो मैंने इसको रन किया, इसका नाम रीशेप दिया हुआ है फॉर सम रीज़न. सो वी गेट दिस, वी डोंट हैव टू बी यूज्ड इट विद दिस, पर आप यहाँ पे लिख सकते हो np डॉट ऐड एंड आप यहाँ दोनों एरेज के नाम लिख सकते हो. देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया होता है कि हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं. बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको क्लास के नाम के साथ कॉल करने पड़ते हैं, आप ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते. सो इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कॉल करेंगे, रादर जो हमारी क्लास है दैट इज़ np डॉट ऐड एंड देन वी विल पास द टू एरेज विच यू वांट टू ऐड. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके एरे 1 है, ये एरे 2 है. ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 10 + 1 11, 25 + 2 इज 27, 12 + 3 15 एंड सेम वे यू हैव 23 एंड 18. सो सिंपल, जैसे एडिशन किया है वैसे ही हम बाकी के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं. इट्स क्वाइट सिंपल. सो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट. सो एडिशन ऑफ एरे था, मुझे यहाँ पे क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन. मैं चाहती हूँ कि सेकंड वाले एरे में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट हो, क्योंकि सेकंड वाले एरे में बड़े नंबर्स हैं और फर्स्ट में छोटे हैं. अगर मैं उल्टा कर दूँगी तो मेरे पास सारे आंसर्स नेगेटिव आएंगे. सो आई डोंट वॉन्ट टू गेट द नेगेटिव आंसर्स. सो मैंने arr2 में से arr1 को माइनस किया. ऐड और मल्टीप्लाई के केस में फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले कौन सा एरे लिखते हो बाद में कौन सा एरे लिखते हो, क्योंकि आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम आना है. बट डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के केस में बहुत फ़र्क पड़ता है. क्योंकि डिवाइड और सबट्रैक्ट के केस में फर्स्ट एरे माइनस सेकेंड एरे होगा या फिर फर्स्ट एरे डिवाइडेड बाय सेकेंड एरे होगा. तो आपने कौन सा एरे पहले लिखा है कौन सा एरे बाद में लिखा है दैट मैटर्स. तो यहाँ पे भी मैंने एरे 2 को एरे 1 से डिवाइड किया क्योंकि एरे 2 के नंबर्स बड़े हैं और एरे 1 के छोटे हैं. मैं दिखाऊंगी आपको अगर मैं चेंज करूँ तो क्या आंसर आता है, बट अगर मैं इसको अभी रन करती हूँ सो वी गेट दिस रिजल्ट. ये एरे 1 है ये एरे 2 है. एडिशन ऑफ एरे इज़ दीज नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर प्रोडक्ट आ गया और फिर डिवीजन आ गया. अगर आपने बाय चांस यहाँ पर 1 दिया होता और यहाँ पे 2 तो सारे नंबर्स कैसे आते हैं 0.something 0.something, क्योंकि छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे तो 0. कुछ ही आएगा और उसमें आएंगे नेगेटिव नंबर्स. सो आप देख रहे हो ये सारे 0.0 हो गए बिकॉज अ छोटा नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अ बड़ा नंबर. ठीक है, ऐसे ही जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे नेगेटिव हो गए. फाइन. सो ऑर्डर मैटर करता है सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के केस में. ऐड और मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 × 3 भी 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है. सेम वे 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, बट ये चीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है, सो ये मैंने इस कोड को चेंज कर दिया ताकि जो मेरे पास एरेज थे अब वो 1D की जगह 2D एरेज हो जाए. सो यहाँ पर हमने क्या किया, ARR 1 को 1.6 की जगह 1.7 ले लिया. तो आपके पास 6 नंबर्स हैं और उन 6 नंबर्स को मैंने शेप 2 by 3 दैट इज़ 2 rows 3 columns में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलर वे ARR 2 को भी मैंने 6 एलिमेंट्स कर दिया. तो फर्स्ट रो में होगा 10, 25, 12 और सेकेंड रो में होगा 19, 13 and 20. एरेज को प्रिंट कराया और उसके बाद सेम ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया. इट्स द सेम थिंग जो पहले थी. जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि वही ऑपरेशंस जो हमने 1D एरे पे परफॉर्म किए थे वी आर गेटिंग ऑन दी 2D एरे. सो आपके पास एरे 1 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, एरे 2 हो गया 10, 25, 12, 19, 13, 20. सो दिस इज 2 by 3 एरेज. दोनों का साइज सेम होना चाहिए. आपके पास यहाँ सम आ गया, ये सब्ट्रैक्शन है, ये प्रोडक्ट है और ये डिवीजन है. सो NumPy एरेज में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ऐसे दे रहा है, लेकिन जो दूसरी मल्टीप्लिकेशन होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो भी आप कर सकते हो. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, पर इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ ये करके दिखाना था कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं ऑन 1D and 2D NumPy एरेज. सो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके पास 4 ही हैं, दैट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन कि उनको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. आई होप आपको इतना समझ आया होगा. इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.